मनिहार लोगों ने देख के अप्रिशिएट किया है सब्जेक्ट को, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताया आप फिल्म के बारे में। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ट्रेलर और गाने देखे उसको इतना पसंद किया, इसी तरह से हमारी फिल्म को भी पसंद कीजिएगा, दिल से पसंद कीजिएगा क्योंकि बहुत दिल से बनाई गई फिल्म है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बात करना चाहे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज का बात करता है सब्जेक्ट। तो सीधी साधी गाँव की कहानी है, गाँव के सारे करेक्टर हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं, गाँव के अंदर ही सीधी साधी जिंदगी है सबकी। छोटे छोटे सामाजिक इशू को उठाया गया है, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि रतौंधी एक बीमारी है, उसको थोड़ा सा जो आजकल ये हमारे समाज में अभी भी है विधवा वाला सिस्टम, उसको थोड़ा सा छुआ गया है, बस इतना। बाकी फिल्म में आगे सब देखेंगे तो आ जाएगा। सर आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की भूमिका है आपकी और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करने करके, बहुत इसका हिस्सा बन के बहुत अच्छा लगा। मैं हीरोइन के फादर का रोल कर रहा हूँ और जो फिल्म में जो विलन है हमारे पहलवान, उनके फादर का रोल कर रहा हूँ। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ फिल्मों से जुड़ना अच्छा लगता है, काम तो बहुत करते रहते हैं हम लोग, बहुत फिल्में करते हैं, बहुत सीरियल करते हैं, बहुत वेब सीरीज करते हैं, लेकिन ये कुछ मुझे इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। जब मुझे इन्होंने सब्जेक्ट सुनाया तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा और बहुत प्योरिटी से, बहुत सादगी से इस फिल्म को बनाया गया है और वही इसकी आत्मा है इस फिल्म। इस फिल्म के अंदर एक ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई रस्टी फिल्म। और बाकी मुझे लगता है कि आप फिल्म को जब देखेंगे पूरा तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, आनंद आएगा और लोगों को ये फिल्म अवश्य पसंद आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? जी बस ऐसे ही मैं भूलता रहता हूँ कैरेक्टर बुलक्कर का, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ये कैरेक्टर है नाई गांव में और इसका हीरो के साथ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है और सब कलाकारों ने अच्छा काम किया है। देखिए एक्टर को क्या है, कहानी अच्छी मिल जाए, किरदार मिल जाए और टीम अच्छी हो, खूबसूरत लोकेशन हो, निर्देशक अच्छा मिल जाए, प्रोड्यूसर अच्छा मिल जाए, बस खत्म हो गई बात। तो ये एक अच्छी फिल्म बनी है, मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म और बननी चाहिए, तो आप इस फिल्म को जरूर देखें, अच्छा लगेगा। एक फील गुड वाली फिल्म है, देख के आपको अच्छा लगेगा, है ना, इमोशन है, मनोरंजन है, कॉमेडी है, सब कुछ है। तो एक साफ सुथरी सिंपल सी कहानी है और खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, तो आपको देख के अच्छा लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ एज एन एक्टर। जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अपने किरदार की जो बात करूंगी मैं, तो एक सिंपल सी गांव की लड़की जिसको एक मनिहार से प्यार हो जाता है, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट है ये। और बाकी चीजें तो मैं तब बताऊंगी जब फिल्म आप लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग भी उस फिल्म से अपने आप को रिलेट करेंगे, बहुत डाउन टू अर्थ है ये फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं एक गांव से बिलोंग करता है, तो इस फिल्म में हमने वही दिखाया है एकदम प्योरिटी के साथ। और सबने बहुत मेहनत की है, सारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। बाकी फिल्म देखने के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा कि हमारी फिल्म कैसी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग फिल्म देखें और लोगों को बताएं हमारी फिल्म के बारे में, जिससे उनको एक मैसेज भी मिलेगा, इस फिल्म में एक मैसेज भी है जो उनको कन्वे होगा। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और पूरी फिल्म के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे एक्टर्स के साथ? मेरा किरदार तो हीरो का फादर हूँ, इससे बड़ा तो कोई रोल होता ही नहीं। हीरो का अपनी बाप भी मैं सबसे बड़ा करेक्टर तो मैं ही हूँ, तो मैं तो इसी बात से बहुत खुशी में हीरो मतलब अगर फादर नहीं होता तो हीरो कैसे होता? हीरो के कहने का मतलब ये सबसे बड़ा करेक्टर है मेरा इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल फिल्में बहुत बन रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में,
तमाम तरीके इसमें सीरियल्स, वेब सीरीज, शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या बनता है, लेकिन गांव का जो शुद्ध वातावरण होता है, जो गांव में होता है रियल में, जो गांव में जो चीजें होती है, वो इसी फिल्म में दिखाया गया है। मैंने कई साल से ऐसी फिल्म देखी नहीं, कहीं ना कहीं बनावटी पर रहता है उसमें, इसमें एकदम रियलिटी है, गांव नजर आता है, गांव की मिट्टी नजर आती है, गांव के लोग आते हैं। अभी आपने पिक्चर में जो है देखा, ये कभी जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, ये जो भी पीछे जो औरतें जो गाना गा रही हैं या गाना इसमें जो मेन औरत का, वो सब गांव की है, उन्होंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया। देखा आपने कितने अच्छी लग रही है औरतें, बच्चे, डांसर, कोई भी आदमी एक्टर है ही नहीं उनमें, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इसी बात से साबित होता है कि इसमें डायरेक्टर ने रियलिटी रखी है, बनावटी बन नहीं है, क्योंकि मुझे तो इस लाइन का बहुत एक्सपीरियंस है, 50 साल से काम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में देखी मैंने, लेकिन जो रियलिटी है इसमें, जो मिट्टी की खुशबू है, वो गांव की है। इसलिए बहुत दिनों के बाद में इतनी अच्छी फिल्म आ रही है, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोगों का साथ रहा, मीडिया का साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो निश्चित रूप से ये कहना चाह तो निश्चित रूप से ये फिल्म एक अपने जगह बनाएगी, सुपर हिट। और मुझे डायरेक्टर ने फाइनल किया इसके लिए, डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, और कास्टिंग डायरेक्टर है मिस्टर समीर चाहर, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समीर चाहर साहब नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो समीर चाहर साहब जहाँ पर भी सुन रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। अरे मैंने, हाँ मैंने इनके कृष्णा जी ने जो बात कही है, सर ने बात कही, आजकल की जनरेशन के लिए फिल्म बहुत महत्वपूर्ण, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस सब के आसपास आजकल जो जनरेशन जी रही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पता चलेगा आजकल तो प्रेम काय पे होता है, फेसबुक पे, टिकटॉक, ये सब जो भी था उस पे हो जाता था, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है, उनको ये पता चलेगा कि शादियों में नाई का क्या काम था, सिर्फ बाल काटना नहीं है, वो रिश्ते भी कराता था, वो शगुन लेके जाता था, वो कार्ड बांटता था, वो घर घर जाके जाता था, बताशे बांटता था, तो ये सब काम है जो आज के जनरेशन को नहीं मालूम, तो इसलिए महत्वपूर्ण है फिल्म उनके लिए बहुत। सर आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा, आपका किरदार जो सिंपलिसिटी लेके आता है फिल्म के अंदर, हाँ। थोड़ा सा बताइए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने किरदार। मैं तो वैसे ही हूँ तो सिंपल हूँ वैसे ही, लेकिन फिर भी क्योंकि उस दौर से गुजरा हूँ मैं बचपन में तो था, बाकी संजीव जी ने बहुत मदद करी मेरी इस करेक्टर के लिए, जहाँ भी मैं थोड़ा सा इधर उधर का बता देते कि नहीं नहीं बस ये दायरा है, आप यहीं पे रहिए। देखिए सब गांव के ही है वैसे, गांव के ही है, हां गांव के, हां अभी यूपी के हैं, सब यूपी से आए हुए हैं, तो वैसे ही है, पागल का बहुत फेमस है आगरा का। अच्छा और कौन कौन है आगरा के, आगरा के आसपास के सब वही के हैं, तभी ऐसी फिल्म, तभी ऐसी फिल्म बन पाई, सब वही के हैं। मेरा सवाल एक आपसे है जी, आपने इससे पहले बहुत उम्दा कैरेक्टर रोल निभाए हैं, तो आज की जो पीढ़ी फिल्म मेकर्स की है, जो लोग फिल्म देखते हैं, वो किसी आर्टिस्ट को टाइपकास्ट नहीं करते हैं, आज इस उम्र में आप बेहतरीन रोमांस कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं, जो परिवर्तन देखते हैं आज के सिनेमा का, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए शुरुआत तो मैंने 22-23 साल में शुरू कर दिया था हीरो बनने के लिए, लेकिन बहुत टाइम लग गया, संजीव जी मिले नहीं, अभी मिले तो भैया फिल्म मिल गई, मुझे बहुत खुशी है। मैंने शुरू में कहा था कि हीरो का रोल करना, उम्र में इतनी भी उम्र नहीं हुई बहुत ज्यादा, ठीक ठाक है, तो वो रोल करना बड़ा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि मेरे को हीरो बना दिया। हीरो भी दो ही तो मेरे ख्वाब थे, विलन बनूं और हीरो बनूं, तो दोनों ख्वाब मेरे पूरे हो गए। एक और फिल्म आ रही है उसमें मैंने विलन किया, उसका जिक्र बाद में, जब उसका वो कुछ होगा तो तब करेंगे। तो ये है, हाँ दूसरा सवाल क्या था आपका? नहीं ये जो परिवर्तन देख रहे हैं आप सिनेमा में, टाइपकास्ट नहीं रहा, हाँ तो उसके ऊपर आपकी राय क्या है? क्योंकि सिनेमा वैसा हो गया, पहले हीरो होता था, हीरोइन होती थी, एक विलन होता था, अभी ऐसा नहीं है, अभी स्टोरी जो है वो मेन हो गई, अभी हीरो हीरोइन ये सब नहीं रहा, अभी जो मेन किरदार है वो स्टोरी का, तो मेरी स्टोरी में बदरुल फिट है तो मैं उसी को लूंगा, मैं किसी और को नहीं लूंगा, तो ऐसा है। लेकिन अभी जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है ऑडियंस को सिनेमा में वापस लाना, क्योंकि ऑडियंस दूर चली गई है, आई है, कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जिसके जरिए वो आई है, लेकिन हमको और ज्यादा लाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में भटक गए थे। सर ये मील का पत्थर साबित होगी, देखिएगा तो वो यूपी की सुपर हिट स्टोरी है, सुपर हिट,
नहीं गाँव वहाँ तो है यूपी वगैरह में सुपर हिट, यहाँ भी सुपर हिट होगी क्योंकि वैसा है इसमें माना। यस 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 वैसी है। और यहाँ तक कि ये नहीं कि पुराने लोग ही वो देखना चाह रहे हैं, जवान तबका भी, नहीं तो लापता लेडीज हिट नहीं होती तो देखना चाह रहे हैं। वैसा सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सच में रतौंधी जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत शानदार जो छोटी सी झलकी देखी मैंने, बहुत शानदार किरदार। नहीं मैं तो पीड़ित नहीं था। हाँ मैं पीड़ित नहीं था, मैंने अपने गाँव में एक आदमी को देखा था, शाम होते उसके तोते उड़ जाते थे और वो ऐसे दिखावा करता था कि मुझे है ही नहीं, ऐसे चलता था सीधा, लेकिन लगता था कि हाँ कुछ तो कहीं टकरा गया, जो मैंने दिखाया उसमें आपने खंबे से टकरा गया, तो वैसे ही होता था। तो ऑब्जर्वेशन जो एक एक्टर का काम है। वैसे रतौंधी नहीं है जी, खुदा ना करे कभी होए किसी को भी ना होए। नहीं ऐसा तो देखिए कुछ इशू लगा नहीं, क्या वैनिटी, हम मिट्टी से जुड़े हुए, जैसे कहा ना सब गांव के ही हैं। हाँ। तो ऐसा ना, और क्या होता ना कई बार हमारे अंदर थोड़े से टेंट्रम आ जाते हैं क्या भाई हम हीरो हैं और ये हैं और वो हैं वो हैं, लेकिन तब बहुत अच्छा लगा गांव में, गांव में अच्छा लगा। और जब चार पाई पे लेट के नदी के किनारे बैठ के बकरियां चरा रहे हैं उनके साथ साथ, और गांव के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ चाय पीना, और बहुत 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 अच्छा। और वहां जाके सब भूल जाते हैं, अगर कुछ होता गाँव के लोग जब आपस में मिल जाते हैं, वही किरदार थे, वो भी एक्टिंग कर रहे थे बिल्कुल, और कुछ सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था, प्रधान जी का सपोर्ट था सबका। और हमारे डायरेक्टर बहुत फास्ट। आपसे एक सवाल बनता है जी, फिल्म को हमने देखा काफी लो बजट की फिल्म है, लेकिन फिल्म को देखने के बाद मुझे कहीं से नहीं लगा कि बजट कहने के आपको जो सिनेमा दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप रोक सका। बहुत खूबसूरत कलर ग्रेडिंग थी, खूबसूरत एडिटिंग थी, खूबसूरत डीओपी साहब का भी काम था। तो क्या आज जो इतनी महंगी फिल्म बन रही है करोड़ों के जो बजट लगते हैं, एक बेहतरीन फिल्म को बनाने के लिए बजट इम्पोर्टेंट रोल पैदा प्ले करता है क्या? देखिए बेसिकली मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि फिल्म के लिए बजट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे हिसाब से फिल्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट, सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपके एक्टर्स अच्छे हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सुहागा है, कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, अरे लोकेशन बहुत अच्छी है आइसिंग ऑन द केक, अरे सिनेमाटोग्राफी कमाल की आइसिंग ऑन द केक, अरे म्यूजिक बहुत अच्छा है आइसिंग ऑन द केक, ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है आइसिंग ऑन द केक, अरे ये चीज़ बहुत अच्छी है। दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट, वही चीज़ें आपको बांध के रखती है, कंटेंट बांधता है आपको, आपको सब्जेक्ट ही बांधता है। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप सक्सेसफुल हो गए, और आपको अच्छी कास्ट मिल गई आपके सब्जेक्ट के साथ जो जेल होके जा रहे हैं, तो काम मतलब आपको कामयाबी मिल गई, बाकी सब सोने पे सुहाता है। सर डायरेक्टर का कमाल है, इतने कम बजट में इतनी अच्छी फिल्म बनाई, आप सोच सकते हैं 11 दिन में कोई फिल्म बनती है क्या? शॉर्ट स्टोरी 4-5 दिन ले लेती है, जो कुल 20 मिनट की या 15 मिनट की होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो संजीव ने डायरेक्शन दिया है इतने कम समय में और कम बजट में ये फिल्म बनाई है, सबसे बड़ा क्रेडिट तो मिस्टर संजीव राजपूत का है। उन्होंने जो है यस है जी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सब नहीं कभी हम डायरेक्ट सेट पर मिले हम सब मजे में सब इतने सीनियर है सब नहीं डायरेक्टर को फुल क्रेडिट है क्योंकि उनको ज्यादा टाइम दिया जा सकता था। प्रोड्यूसर का कहना था 15 दिन ले लीजिए 20 दिन ले लीजिए, उनको नहीं बोला गया कि आप 11 दिन बनाइए, पर वो खुद ही इतने फास्ट है, उन्होंने 11 दिन फिल्म कंप्लीट कर दी। तो क्रेडिट गोज टू मिस्टर संजीव राजपूत। सच में थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी फिल्म है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था कह रहे 11 दिन में फिनिश हुई, लेकिन फिल्म को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है पिक्चर। एज अ डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कि आपको अच्छा लगा फिल्म को देख कर, ट्रेलर देख कर के, और होप सो जैसा आपको मतलब अच्छा लगा वैसे पूरी ऑडियंस को लगना चाहिए सबको। सबसे पहले तो जैसे कि 11 दिन में हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्योंकि क्या था कि चैलेंजिंग हमारे लिए बहुत था, और चैलेंजिंग नहीं भी था, क्योंकि चैलेंजिंग था तो सूट करना 11 दिन में, और नहीं इसलिए क्योंकि एक्टर्स इतने अच्छे थे, उनको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, कहानी से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रूबरू थे। एंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या वर्कशॉप्स किए थे, हम लोगों ने वर्कशॉप नहीं किए, हम लोग डायरेक्टली सेट पर गए, डायरेक्टली सेट पर जाकर के हम लोगों ने सारा शूट किया,
और सबसे अच्छी बात यह थी कि सब लोगों ने तहे दिल से फिल्म के लिए अच्छा सोचा, बेसिकली क्योंकि मैंने अभी 6-7 फिल्में में कर चुका हूँ एज ए डायरेक्टर, बट आई एम स्पेसिफिकली कनेक्टेड विद दिस फिल्म, इस कंटेंट से, इस फिल्म से, इस फिल्म के एक्टर से, कि पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि कोई एक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टर के लिए हैं। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि यार नहीं यार, हम लोगों को कुछ अच्छा बनाना है। फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि कोई एक्टर ये चाहता है कि यार फिल्म अच्छी बने, अदरवाइज मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होती हैं, एक्टर्स के टेंट्रम्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो लोग सूट से डायरेक्टर चाहते हो भी अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन अच्छे एक्टर्स मिल जाए तो वहाँ बजट वेरी नहीं करता, वहाँ डेज वेरी नहीं करते, वहाँ पे कोई भी चीज़ वेरी नहीं करती, कंटेंट हमेशा अच्छा बनता है। इसीलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ, अभी भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि बड़ा करें छोटा करें, बट हम लोगों को एक्टर्स अच्छे चाहिए क्योंकि हम लोगों को बजट वहाँ कोई वेरिएशन नहीं रहते हैं, आपको इजीली सूट कर सकते हो। जैसे वैनिटी नहीं थी, मैं जानता हूँ कि कोई दूसरा एक्टर होता तो हो सकता है कि वह हमारे लिए थोड़े से हर्डल्स आ सकते थे कि यार वैनिटी होगी तभी करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों को ऐसा एक्टर चाहिए था कि वो हमारे साथ मिट्टी में जुड़ जाए, क्योंकि मैंने फिल्म लिखी है, मैं राइटर हूँ फिल्म का, तो एक एक चीज से मैं रूबरू था, हर चीज से मैं रूबरू था। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टर्स भी जितने भी लोग जुड़े हुए वो जानते हैं कि आई डोंट टच स्क्रिप्ट, मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट, क्योंकि एक एक सीन, एक एक लाइन मेरे को मेरे माइंड के अंदर होती है, इसलिए इतना फास्ट, इतना जल्दी हम लोग कर पाते हैं। अब कहना कि मैं बहुत ज्यादा बहुत तामझाम नहीं रखता, अपना भी डायरेक्टर्स का भी अपना होता है, मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली डायरेक्टर्स के टेंट्रम्स एक्टर्स से ज्यादा हैं, तो प्रोड्यूसर्स को कहना जब वो उन्हें फेस करते टेंट्रम वाले डायरेक्टर्स को, तो उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है कि यार अब डायरेक्टर को संभालें कि वहाँ एक्टर को संभालें। तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेकर्स हैं वो अच्छे एक्टर्स रखें, अच्छे डायरेक्टर्स को अपने साथ जोड़ें, कंटेंट भी अच्छा हो तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा बनता है। एंड बाकी तो सब जितना हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और होप सो फिल्म अच्छी चलेगी, लोगों को जैसे आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया है वैसे फिल्म भी पसंद आएगी। एंड ऑडियंस से आई अपील, आई रिक्वेस्ट कि फिल्म को देखने जाएं। अभी देखिए छोटी फिल्म्स, बड़ी फिल्म्स कुछ नहीं है, कंटेंट इज हीरो एंड कंटेंट इज एवरीथिंग। लाइक अभी देखिए पंचायत रिसेंटली हिट हुई और आई टुक मे लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट्स, मैंने साउथ से भी लिए काफ़ी चीज़ें। इसमें हम लोगों ने अच्छा बनाने की कोशिश की कि जैसा भी लोगों को पसंद है, और अभी मास फिल्म्स या एकदम रूरल बेस्ड फिल्में ही चल रही हैं, और आप भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स हो, आप भी जो है क्योंकि मीडिया पर्सन्स को भी मैं समझ सकता हूँ, हैं तो सब इंसान ही, सब फिल्म ही देखते हैं सब, आप तो डेली रूबरू होते हो चीज़ों से, तो आपको भी पता है कि अभी सिंपल सिटी या मास दो ही चीज़ें चल रही हैं, मिडिल की चीज़ें नहीं चल रही हैं, क्योंकि लोग वो नहीं देखना चाहते। लोग मतलब आज के टाइम में फ्रस्ट्रेशन की लाइफ में लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, और एंटरटेनमेंट या तो मास से मिल रहा है या फिर वो मिडिल से मिल रहा है। लोगों को अपनी लाइफ जीना है, चाहे वो फिल्म के जरिए से जिए या फिर वो जो है अपनी रियल लाइफ। तो मैं, मेरा तो यही है कि अच्छा अभी हम लोग ये बनाया है और भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे, एंड होप सो। सर ये फिल्म का आपने मनिहार रखा है, इस मनिहार से क्या आपका कुछ ऐसा कुछ टच था सब्जेक्ट का, या क्या मैसेज देना चाह रहे थे आपको? नहीं एक्चुअली क्या ना, हाँ एक्चुअली क्या, एक्चुअली मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, मतलब छोटे गांव से ऐसा कि जैसा मैंने मनियार में दिखाया है सच में मैं वो दिखा नहीं पाया। मैं तलाशता हूँ कि मैं जो बचपन में मैं होता था, तो मेरे माँ बाप एक्चुअली मैं फार्मिंग फैमिली से हूँ, मेरे फादर फार्मर है, तो हम लोग फार्मिंग फैमिलीज, मतलब आज से अगर हम बात करें 15 years 20 years पीछे जाते हैं, तो वहाँ गाँव में हमारा खुद का घर मतलब बहुत कच्चा होता था, मेरी दादी माँ थी, हम लोगों को बहुत बड़ा घर था, उसी में जो है बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहती थी। और हमारे यहाँ ना गाँव में स्पेशली एक भाई थे, जो है वो उनका नाम नेकपाल करके था, तो वो हमारे बाल काटने आया करते थे हमारे घर पे, कोई शादियां होती थी गांव में, तो हमें देखता था ना, नोटिस करता था, वो जा के जो है लोगों को बोलते थे कि यार आपको आना है, आपके यहाँ सबको आना, आपके एक बंदे को आना, ऐसा मतलब ऐसा एक सिस्टम था। तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं मेरे गाँव से मुझसे जुड़ा हुआ था ना, होप से मैं उतना नहीं कर पाया, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं उतना डीप जा करके फिल्म बना पाता, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं मेरे पास सोर्सेज की कमी थी, चीज़ें इतनी डेवलप हो गई हैं कि मुझे मिल नहीं पा रही थी, तो अदरवाइज मैं वो बनाता तो आपको शायद और बेहतर फिल्म और अच्छा
ट्रेलर नजर आता, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हूं तो गांव की हर चीज से मैं जो है रूबरू हूं, गांव शहर बड़े छोटे शहर देश विदेश सब जगह से मैं जुड़ा हुआ हूं, हर जगह गया हूं घूमा हूं, तो वैसा ही कंटेंट मैं चाहता था कि यार लोग कहीं ना कहीं पसंद करेंगे और देखेंगे डेफिनेटली, इसलिए इस फिल्म को बनाया। और मनिहार ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कुछ ऐसा है, गाँव में आते हैं हम लोग जब राइटर हैं सोचते हैं क्या बनाना चाहिए तो हम लोग कहीं ना कहीं से तो करेक्टर्स को उठाते ही हैं, तो हम राइटर जो होता है ना अपनी रियल लाइफ से करेक्टर्स उठाता है, अपनी रियल लाइफ से ही कहीं ना कहीं वो देखता है कि यार ये बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं, मैंने देखा है, इसलिए मैंने मनिहार फिल्म को लिखा और जो है इसको कोशिश की कि इसको अच्छा बनाया जाए। मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से, पहले तो आप यंग है बहुत प्रोड्यूसर, और इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था और कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सब्जेक्ट को लोगों के सामने रखें? सो बिल्कुल आपने सही बात की, एक्चुअली मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ, वर्क करता हूँ, ब्लाइंड एसोसिएशन है। सो अभी रिसेंटली हम लोग जॉन के साथ भी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, एंड ये जो सब्जेक्ट है आज के समय में ब्लाइंडनेस, लेट ब्लाइंडनेस, इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एक फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसको हम लोग इजी तरीके से लोगों तक का पहुँचा सकते हैं। सो संजीव सर से बात हुई, हमारे सौरभ सर से बात हुई, तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, और कि लोगों को रूबरू कराना इस ब्लाइंडनेस से, कि आप आज के समय में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, अगर एक बार ब्लाइंड हो जाता है तो इसका मतलब वो कुछ कर नहीं पाता है या उसका इलाज नहीं है, कुछ ऐसी बीमारियां जिसका इलाज आजकल संभव है। सो एक फिल्म ही एक ऐसी माध्यम जो लोगों तक का इजी तरीके से वो जा सकता, तो इसके साथ जुड़ना इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। संजीव सर तो बहुत ही अच्छे, और आपने जैसा भी आपने इनका काम देखा है और पहली भी मूवी इनकी कई चीजें बनाए हैं, और काफी कम समय में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा डायरेक्टर अभी तक का, मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में बना सकता है, और बना सकता है बेसिकली, पर इन्होंने बनाया है, एंड जितने भी स्टार कास्ट है वो काफी अच्छा काम किया, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कि वैनिटी नहीं है तो या कुछ ऐसा खाने पीने के लिए कुछ ऐसा बोला, फिलहाल सब इसी तरीके से अच्छा होता रहा। सर आपसे जानना चाहूंगा, सर आपसे सोशल मैसेज पे भी बात करती है फिल्म, लेकिन इस तरह की फिल्मों को बैक करना बहुत इम्पोर्टेंट था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि आपका क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? मेरा थॉट प्रोसेस मेन ये था कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग गांव से जुड़े हैं, और गांव में जो समस्याएं हैं किसी भी एक जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि ये नाई है या ये वो चूड़ी बेचता है या मोची है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने समाज में उनकी समस्याओं को देखते हैं, किस तरह वो गरीबी में जी रहे हैं और किस तरह की वो समाज से वो जूझते रहते हैं अपनी निजी समस्याओं को लेके। तो मैं भी गांव में ये चीज़ें देखता था कि वो आता चूड़ी बेच के चला जाता, लोग एकदम झुंड लगा के चूड़ी लेते थे, फिर वो जो लेने वाले लोग हैं वो भी गरीब होते थे तो उधार लेते थे, जैसा आप इस सीन में देखा है, वो कहता गांव की भाभी तो उधारी वाली है। तो ये सब समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं को जोड़ा, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट अच्छा और इस पर काम करें तो लोग पुराने समय के जो आज की नई जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। रिस्क तो था ही, लेकिन हमें लगा कि इसको करने में ही हमें लग रहा कि अपने दौर को हम लोग जी रहे हैं। सभी का ये कलेक्टिव चर्चा हुई कि इस पर काम किया, सभी लगा कि हाँ इस पर अच्छा रहेगा, और इसको लोग रियल ही देखना चाहते हैं। अब सिनेमा जो वर्तमान दो चार साल से हम लोग देख रहे हैं, लोग रियल देखना पसंद करते हैं, उसमें कलाकार मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा कलाकार है क्या, कि आपने भी देखी होंगी बहुत सी मूवियाँ बड़े बड़े कलाकारों की फ्लॉप हुई है, उसका कारण रहा सब्जेक्ट। तो हमें ही लगा सब्जेक्ट अच्छा है और जनता से पब्लिक से सबसे जुड़ा है, इसलिए इस पर मूवी बनाना बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा, और इस पे निश्चित मुझे लग रहा कि इस पे सफलता मिलेगी ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और जब ये मूवी बनाने जा रहे थे तो पहले चर्चा चल रही थी, काफी बात चल रही थी आपस में, तो इनका कहना ये था कि मैं गाँव में जाकर शूट करना चाहता हूँ, और जो रिहर्सल की बात चल रही थी, आपने पूछा रिहर्सल क्यों नहीं की या कैसे नहीं की, तो ये चाहते थे कि यार रिहर्सल करके ना कहीं आदमी नकली एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि बार बार रिहर्सल करेगा वैसा करेगा, तो मैं गांव में जाके करूंगा और कोई रिहर्सल नहीं, डायरेक्ट शूट करूंगा, क्योंकि जो मैंने एक्टर कास्ट किए ऑलरेडी मैं पहले इनको जानता हूं, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, और नेचुरल गाँव के लोग मिल जाएंगे, तो बिल्कुल एक जो दिखाना चाहता हूँ मैं नेचुरलिटी,
क्योंकि आज की तारीख में किसी को समझाने जाऊंगा कि मनियार इस टाइप का जो नए नए करेक्टर यहाँ के तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जी रखा है। गांव वाले अभी भी जानते हैं मनियार कौन होता है, चूड़ी पहनाता है, ये कारण इनका ये था वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला है, मुझसे डिस्कस हुआ था सर का, तो इसलिए उन्होंने वहाँ के स्टार कास्ट किए। और प्रोड्यूसर के जैसे प्रोड्यूसर है, उनके कोई बजट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा मानना यह है, सर से भी डिस्कस हो रहा था, सर के साथ भी डिस्कस हो रहा था, कि हम ट्रेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट का खर्चे करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ट्रेन का टिकट जितना खर्चा उससे उतना ही खर्चा करो, ताकि सामने वाला देखता भी है तो कहता है हाँ भाई ठीक बनाई ना पिक्चर। अब हम पिक्चर बना रहे हैं कम बजट की छोटी कहानी है, इसमें ही कर दें कई करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो जब बेचने जाते तो वो भी कहते हैं इतने पैसे क्यों खर्च किए भाई, ये तो इतने में बना सकते थे आप। तो इनका मकसद ये था ना, तो इनको कोई पैसे की दिक्कत थी ना सर को कोई दिक्कत थी पैसे, प्रोड्यूसर को भी, बस कहने मतलब रिक्वायरमेंट उस कहानी की इतने बजट की है, कल को बेचनी भी है पिक्चर, तो बहुत कम बजट में जितनी कहानी की रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है। और मेरी बड़ी शुभकामना है, और प्रोड्यूसर आपका बहुत बहुत बधाई के उन्होंने जो है इस सब्जेक्ट को चुना और एक किसी पे विश्वास किया। जब तक आदमी पहचान नहीं बन जाती पूरे इंडिया में, तब तक वो नए कलाकार कहलाता है, भले ही 10 साल से काम कर रहा हो, 20 साल से काम कर रहा हो। मुझे भी आज काम करते थे 15-20 साल हो गए, जब पिक्चर बड़ी हिट हो जाएगी तो कहेंगे अरे नया लड़का कहाँ से आ गया, जबकि हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। तो जो एक्टर है हमारे भाई और जो भी काफी समय से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पिक्चर से उनको पहचान मिलेगी, डायरेक्टर साहब का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, एक नई पिक्चर बनाएंगे सुपर डुपर KGF जैसी, प्रोड्यूसर भी इसमें साहब उसमें पैसा लगाएंगे, बाकी हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे हिंदुस्तान की जनता से कि पिक्चर को देखें और बढ़ावा दें। थैंक यू।